हेलो गाइस, टॉप एंड्रॉइड गेम की सीरीज में आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है, जिसमें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 बेस्ट ऑफलाइन सर्वाइविंग गेम्स, यानी कि ऐसे गेम जिनमें आपको काफ़ी अच्छे ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग तरह के सिनेरियो में सर्वाइव करना पड़ेगा, और इन सारे गेम्स के अंदर आपको एक काफ़ी अच्छा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के साथ साथ मज़ेदार गेम प्ले एक्सपीरियंस भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इन सारे गेम्स के डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप इन सारे गेम्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बिना देरी के चले इस महीना टॉप 10 बेस्ट ऑफलाइन सर्वाइविंग गेम्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं आपको इनमें से कौन सा गेम पसंद आता है। तो गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं सेलर ओडिसी गेम से। दोस्तों, सेलर ओडिसी गेम एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग गेम है, और इस गेम के अंदर आपका कैरेक्टर एक सर्वाइवर का होगा, जिसे एक अननोन आइलैंड के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ों से सर्वाइव करना पड़ता है। और इस गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में आपको एक आइलैंड देखने को मिलता है, जिसमें आपको अलग अलग तरह के क्रिएचर और मॉन्स्टर से सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेपन्स बनाने पड़ते हैं, और वेपन्स बनाने के साथ साथ आप इस गेम के अंदर आपको जिंदा रखने के लिए अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को भी ढूंढना पड़ेगा, जिससे ये गेम एक काफी ज्यादा मजेदार हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग गेम बन जाता है। और बात करें इस गेम के साइज की, तो 500 MB तक का साइज होने के साथ इसमें आपको बहुत ही अच्छे 3D ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये गेम कम्प्लीटली ऑफलाइन है, जिससे आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी इस गेम को अपने मोबाइल डिवाइस पर खेल सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये गेम पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गेम को आप आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड करके एंजॉय कर पाओगे। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगले गेम का नाम है रेडिएशन आइलैंड। दोस्तों, रेडिएशन आइलैंड गेम भी एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला ओपन वर्ल्ड ऑफलाइन सर्वाइविंग गेम है, और इस गेम के अंदर आप एक अननोन आइलैंड में फंस जाते हो, और इस आइलैंड में आपको अलग अलग तरह के क्रीचर से लेकर जोम्बी टाइप के मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है, और उनसे फाइट करने के लिए इस गेम के अंदर आपको अलग अलग तरह के वेपन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिन्हें आपको क्राफ्टिंग करके बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अपने करेक्टर को जिंदा रखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को भी कलेक्ट करना पड़ सकता है, जिससे गेम एक कम्प्लीटली ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग गेम बन जाता है। और बात करें इस गेम के ग्राफिक्स की, तो 1.2 GB तक का साइज होने से इस गेम में आपको बहुत ही अच्छे 3D ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर एक हाई क्वालिटी के अंदर ओपन वर्ल्ड टाइप का सर्वाइविंग गेम खेलना पसंद है, तो आप जरूर से ट्राई कर सकते हो रेडिएशन आइलैंड गेम को, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप इस गेम को आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगले गेम का नाम है अंडरवाटर सर्वाइवल। दोस्तों, अंडरवाटर सर्वाइवल गेम भी एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग गेम है, और इस गेम की स्टोरी के अंदर आपका शिप एक अननोन प्लेनेट में क्रैश कर जाता है, जिससे आपको इस अननोन प्लेनेट में सर्वाइव करना पड़ेगा, और इस प्लेनेट में आपको पूरी तरह से पानी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पानी के अंदर अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को कलेक्ट करने सर्वाइव करना पड़ता है। इसके अलावा पानी के अंदर अलग अलग तरह के सी मॉन्स्टर से भी आपको इस गेम के अंदर फाइट करनी पड़ेगी, जिन्हें डिफीट करके आप इस गेम के अंदर अपने लेवल को अपग्रेड करके नई तरह की चीजें भी बना सकते हो। तो दोस्तों, ओवरऑल बात हो तो अंडरवाटर सर्वाइविंग गेम पीसी गेम सबनॉटिका का जैसा ही सिमिलर ओपन वर्ल्ड गेम है, और इस गेम के अंदर आपको काफी हाई क्वालिटी के 3D ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ केवल 100 MB तक का साइज होने के साथ ही आप इस गेम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड करके ऑफलाइन एंजॉय कर सकते हो। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अगले गेम का नाम है हेलो नेबर डायरीज। दोस्तों, हेलो नेबर डायरीज भी एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला मजेदार ऑफलाइन सर्वाइविंग गेम है, और इस गेम के अंदर आपको अपने पड़ोसी के घर में जाकर अलग अलग तरह की मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ता है, और मिस्ट्री को सॉल्व करते वक्त आपको इस गेम के अंदर पकड़े भी नहीं जाना है, और अपने पड़ोसी के हाथों पकड़े जाने से पहले आपको इस गेम के अंदर अलग अलग तरह के टास्क भी कम्प्लीट करने को मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत सारी पजल्स भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो हेलो नेबर डायरीज गेम एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग मिस्ट्री टाइप का गेम है, जिसका साइज आपको 1 GB तक देखने को मिल जाता है, और कम्प्लीटली ऑफलाइन गेम होने की वजह से आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी इस गेम को अपने मोबाइल डिवाइस पर खेल पाओगे। साथ ही साथ इस गेम की डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप इस गेम को आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड कर एंजॉय कर सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगले गेम का नाम है ओशियन इज होम सर्वाइवल आइलैंड। दोस्तों, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार 3D ओपन वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन शूटर टाइप का सर्वाइविंग गेम है,
और इस गेम के अंदर भी आपको एक आइलैंड के अंदर अलग अलग तरह के क्रिएचर के साथ साथ अपने करेक्टर को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह के टास्क कंप्लीट करने पड़ सकते हैं, जिसमें आपको अपने करेक्टर के लिए अलग अलग तरह के शेल्टर या घर भी बनाना पड़ेगा। और इस गेम के अंदर आपको क्राफ्टिंग से लेकर बिल्डिंग करने का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप अपने करेक्टर के लिए अलग अलग तरह की चीज़ों को भी बिल्ड कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको नए नए तरह के असॉल्ट राइफल जैसे वेपन भी इस्तेमाल करने को मिलेंगे, जिन्हें आपको अपने हिसाब से बिल्ड करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करूँ तो ओशियन इज होम गेम में काफी ज्यादा मजेदार ओपन वर्ल्ड ऑफलाइन सर्वाइविंग गेम है, जिसका साइज केवल 100 MB तक है, जिससे आप इस गेम को आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर बिना इंटरनेट कनेक्शन के खेल सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले गेम का नाम है बॉक्स हेड। दोस्तों, बॉक्स हेड गेम भी काफी ज्यादा मजेदार टॉप डाउन सर्वाइविंग टाइप का फाइटिंग गेम है, और इस गेम के अंदर आपको एक अरीना के अंदर अलग अलग तरह के जॉम्बीज और मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है, और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आपको अलग अलग तरह के वेपन भी इस गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप इस गेम के लेवल्स को कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ इस गेम में आपको अलग अलग तरह के लेवल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिफिकल्टीज भी देखने को मिल जाएगी, जिससे काफी ज्यादा मजेदार फाइटिंग टाइप का टॉप डाउन सर्वाइविंग गेम बन जाता है। और इस गेम के अंदर आप अलग अलग तरह की एबिलिटी का इस्तेमाल करके भी जॉम्बीज से फाइट कर सकते हो। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करूं तो बॉक्स हेड गेम एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला टॉप डाउन सर्वाइविंग गेम है, जिसका साइज 200 MB तक है, और इस गेम को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड करके खेल सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले गेम का नाम है लास्ट राइडर। दोस्तों, लास्ट राइडर गेम भी एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग गेम है, जिसमें आपका कैरेक्टर को अलग अलग तरह की बाइकों का इस्तेमाल करके इसके ओपन वर्ल्ड मैप में एक्सप्लोर करके सर्वाइव करना पड़ता है, जिसमें आप अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को कलेक्ट करके इस गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। साथ ही साथ इस गेम में आपको अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स और टास्क भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिसमें आप अलग अलग तरह के स्टंट करके इस गेम के अंदर ज्यादा पॉइंट कमा के नई नई तरह के व्हीकल भी अनलॉक कर सकते हो। तो दोस्तों, ओवरऑल बात हो तो लास्ट राइडर गेम एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग गेम है, जिसका साइज केवल 100 MB तक है, और कंप्लीटली ऑफलाइन गेम होने की वजह से आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी इस गेम को अपने मोबाइल डिवाइस पर खेल पाओगे। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले गेम का नाम है जॉम्बी हंटर सर्वाइवल। दोस्तों, जॉम्बी हंटर सर्वाइवल गेम भी एक काफी ज्यादा मजेदार थर्ड पर्सन शूटिंग सर्वाइविंग गेम है, और इस गेम के अंदर आपका कैरेक्टर एक सर्वाइवर का होगा, जिसे अलग अलग तरह की जगहों पर जाकर जॉम्बी से फाइट करनी पड़ती है। और जॉम्बी से फाइट करने के लिए इस गेम के अंदर आप असॉल्ट राइफल से लेकर स्नाइपर राइफल, शॉटगन जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेपनों का इस्तेमाल कर सकते हो, जिनसे आप जॉम्बीज को डिफीट कर पाओगे। साथ ही साथ इस गेम के अंदर आपको अपने वेपन को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप अपने वेपन को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाते हो। तो दोस्तों, ओवरऑल बात करूं तो जॉम्बी हंटर गेम एक हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला थर्ड पर्सन शूटिंग सर्वाइविंग गेम है, जिसका साइज आपको 1.7 GB तक देखने को मिल जाता है, और इस गेम को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड करके खेल सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले गेम का नाम है एलियन आइसोलेशन। दोस्तों, एलियन आइसोलेशन गेम भी एक काफी ज्यादा मजेदार ऑफलाइन सर्वाइविंग गेम है, और इस गेम की स्टोरी आपको एलियन मूवी की जैसी ही सिमिलर देखने को मिलेगी, जिसमें आप एक शिप के अंदर फंस चुके हो और आपको एलियन क्रिएचर से इस गेम के अंदर बसना पड़ेगा, और एलियन से बसने के लिए आप अलग अलग तरह के टास्क से लेकर एलियन के साथ फाइट भी कर सकते हो, और एलियन से बसने के बाद आपको सिंपली इस गेम के अंदर शिप से भागना पड़ता है, जिससे ये गेम एक काफी ज्यादा मजेदार सर्वाइविंग गेम बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक हॉरर टाइप का सर्वाइविंग गेम खेलना पसंद है, तो आप एलियन आइसोलेशन गेम को जरूर से ट्राई कर सकते हो, जिसका साइज 2.1 GB तक है, और इस गेम की डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप इस गेम को आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी गेम का नाम है लास्ट पायरेट आइलैंड एडवेंचर। दोस्तों, लास्ट पायरेट आइलैंड एडवेंचर गेम भी एक काफी ज्यादा मजेदार हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला फर्स्ट पर्सन शूटिंग
सर्वाइविंग गेम है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना पड़ता है। और सर्वाइव करने के लिए आप इस गेम के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ साथ क्राफ्टिंग कर सकते हो, जिससे आप अपने लिए अलग अलग तरह के बेस को भी बिल्ड कर पाओगे। साथ ही साथ इस गेम के ओपन वर्ल्ड मैप में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉन्स्टर और क्रिएचर से फाइट भी करनी पड़ सकती है, जिनसे फाइट करने के लिए आपको इस गेम के अंदर नए नए तरह के वेपन भी बनाने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल बात को तो लास्ट पायरेट गेम में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हाई क्वालिटी के अंदर आने वाला ओपन वर्ल्ड सर्वाइविंग गेम है, जिसका साइज 500 MB तक है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड करके खेल सकते हो। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 बेस्ट ऑफलाइन सर्वाइवल गेम जिन्हें आप आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस पर खेल सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको उनमें से कौन सा गेम पसंद आया। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। ओके गाइस, बाय बाय।